नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं यंग लोवंत प्रकरण। और ये यंग लोवंत जो प्रकरण है, इसमें एक सिद्धि है हमारी, और सिद्धि है वो भवानी। ये जो वो भवानी की सिद्धि है, इसको हम करेंगे। तो इससे पहले जो सिद्धियां कराई हैं मैंने, उनमें आपको वो भू की सिद्धि कराई थी। आज मैं पूरी प्रक्रिया कर रहा हूं, जिससे आपको समस्या नहीं आएगी। देखिए, आप लिखेंगे भू प्लस यंग, ठीक है, और आप सूत्र लगाएंगे धातु रेकाचो अला देह क्रिया संभ्यारे यंग। ठीक है विद्यार्थियों, आप लिख देंगे धातु से यंग आगम। फिर क्या विद्यार्थियों, इस यंग का लोप हो जाएगा। आप लिखेंगे वो और सूत्र लगा देंगे यंगोचिच सूत्र से यंग का लुक। आपको मैंने बताया था कि जो लुक होता है, लुक का तात्पर्य होता है पूरा प्रत्यय चला जाता है। फिर आप देखिए, इसको द्वित्व कर लेंगे। आपके पास सूत्र है संयंगोह, सूत्र से धातु को द्वित्व, द्वित्व आप जानते हैं दो कर लेते हैं। द्वित्व करने पर अब देखिए, जब द्वित्व हो जाएगा तो इस पूर्व वाली की अभ्यास संज्ञा कर लेंगे द्वित्व में, और आप सूत्र लगाएंगे पूर्वोभ्यास सूत्र से द्वित्व में पूर्व के अभ्यास संज्ञा। अब देखिए, जब अभ्यास संज्ञा हो जाएगी तब आप क्या करेंगे, इस को गुण कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका भो, और सूत्र है गुणो यंग लुको, सूत्र से अभ्यास को गुण करने पर अब देखिए, जब गुण हो जाएगा तो इसको जस कर लेंगे और ये बन जाएगा वो प्लस वो, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों अभ्यासे चर्च, सूत्र से अभ्यास को जस
करने पर आप देखिए जस हो जाएगा, आप इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा धातु संज्ञा करेंगे, आप लिखेंगे सनाध्यंता धातवः। सूत्र से भो भू को धातु संज्ञा, करने पर यहां तक की जो स्थिति है विद्यार्थियों, इससे पहले कुछ सिद्धियां ऐसी कराई हैं जिनमें मैंने नहीं कराई, प्रारंभ की कुछ सिद्धियों में कराई थी, उसके बाद फिर बीच में नहीं कराई है, तो आपको ये सिद्धि इस प्रकार से यहां तक करनी है, फिर उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है, आप लिखेंगे बो भू प्लस लोट, सूत्र लिखेंगे लोट च, सूत्र से लोट का आगम, लोट का आगम हो गया, फिर देखिए आपको पता है लोट के टा का और ओ का लोप करना है हमको, आप जानते हैं, आप क्या करेंगे अब इस लोट के टा का और ओ का लोप करना है, आप लिखेंगे बो भू प्लस अलंत ला रह जाएगा और सूत्र लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से लोट के टकार की इत संज्ञा और उपदेश अजनु नासिक इत सूत्र से लोट के ओकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञा को टकार एवं ओकार का लोप अब देखिए जब इसका लोप हो जाएगा तो आपको क्या करना है टिप लाना विद्यार्थियों क्या लाना है टिप अब देखिए टिप ले आएंगे आप लिखेंगे बो भू प्लस टिप और सूत्र लगाएंगे आप से सात कर्तरी परस्मई पदम तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमः तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनानेकसा
सूत्रों की सहायता से तेतस जी सूत्र से प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन में तिप नहीं है विद्यार्थियों, मिप आएगा, मिप सॉरी गलती हो गई, मिप आएगा। उत्तम पुरुष का ही भवानी जो बनता है तो मैं लकार के स्थान पर मिप प्रत्यय आदेश मिप के देखिए पा का लूप कर लेंगे, आप लिखेंगे बो भू प्लस मे और सूत्र लिख देंगे आप हलंत्यम सूत्र से मिप के पकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार व टका पकार का लोप आगे आप लिख देंगे लोप करने पर ऐसे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, फिर देखिए इसकी सार धातु संज्ञा कर देंगे आप। आप लिखेंगे बो भू प्लस मिप, मिप ही बोलेंगे विद्यार्थियों इसके, चाहे पा का लूप हो गया फिर भी मिप बोलेंगे। और सूत्र लिखेंगे आप तिंग सित सार्ध धातु काम सूत्र से मे की सार्वधातुक संज्ञा संज्ञा करने पर और फिर देखिए आप सब ले आएंगे, आप लिखेंगे वो भू प्लस सप प्लस मिप और सूत्र लग जाएगा कर्तरी सब सूत्र से सब आगम। आप देखिए जब सब आगम हो जाएगा तो इस सब का लुक हो जाएगा और आप लिखेंगे बो भू प्लस मिप रह जाएगा और सूत्र लग जाएगा आपका आदि प्राभ्रातिभ्यः सपः सूत्र से सप का लुक। आप देखिए सप का जब लुक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये आपको पता है लोट लकार है तो लोट लकार में मी को नी हो जाता है। आप लिखेंगे बो भू प्लस नी और सूत्र लग जाएगा आपका मीर नीहा
मेरनिहा सूत्र से लोट के मी को नी आदेश, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, नी को आठ ले आएंगे, आप लिखेंगे वो भू प्लस आठ प्लस नी, और सूत्र लग जाएगा आपका आढ़ोत्तमस्य पिच। पिच सूत्र से आठ आगम। अब देखिए आठ के टा का लूप कर लेंगे, आप लिखेंगे बो भू प्लस आ प्लस नी, और सूत्र लग जाएगा हलंत्यम। सूत्र से आठ के टकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः। सूत्र से इत संज्ञक टकार का लोप। अब देखिए टकार का लोप हो जाएगा आप देखिए ये एगंत अंग है, एक है, इसको गुण हो जाएगा, आप लिखेंगे बो प्लस आठ प्लस नी, और सूत्र लग जाएगा आपका सार्वधातुक अर्ध धातु कयोः। सूत्र से एगंत अंग बो भू को गुण। आपको मैंने बताया था एगंत किसको बोलते हैं, जिसके अंत में इक प्रत्यय लगा हुआ है। इक में कौन से आ जाते हैं, ई ऊ री लिरी, तो ऊ है इसमें, ठीक है। और अंग किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिसमें प्रत्यय लगता है, जिसमें प्रत्यय विधि होती है उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों, हम अंग कहते हैं। यस्मात् प्रत्यय विधिर तदादि प्रत्यय अंगम, जिसमें प्रत्यय विधि होती है, जिसमें प्रत्यय लगता है उसको अंग कहते हैं। तो आपको पता है बोभू में प्रत्यय लग रहा है, तो ये बोभू क्या हो गया, अंग हो गया। अब इस एगंत अंग को गुण हो गया ओ। अब देखिए ये स्थिति जो है आपकी, इससे आगे जब आप बनाएंगे तो ये बो भू को हो जाएगा बो भव, ठीक है। और ये आठ हो जाएगा और ये नी हो जाएगा, और सूत्र लगाएंगे आप ए चो यावहा। सूत्र से एच, और एच क्या है आपको पता है, ओ है, ये ओ ही तो है, इस ओ को क्या हो जाएगा, अब ओ को अब आदेश। अब देखिए इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा आपका बो भवानी, और एक परिभाषा है
अधीनम परेण संयोज्यम परिभाषा से संयोग करने पर रूप सिद्ध तो इस प्रकार से ये जो शब्द है विद्यार्थियों हमारा उसकी सिद्धि हो जाती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद जय भारत।